रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में जैसे वन अपॉन रूट थ्री आ गया रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर uh, नीचे से रूट खत्म करना है डिनोमिनेटर को रैशनल करना है yes. तो सिंगल टर्म है ना तो रूट थ्री से ऊपर रूट थ्री से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट रूट थ्री अपॉन थ्री नीचे खत्म हो गया ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं दिस इज आंसर ये तो थे ये फर्स्ट टाइप अब जब मान लो नीचे ऐसे दो टर्म्स आ गई तो उस टाइम क्या करेंगे um, जो नीचे साइन है उसके अपोजिट साइन से बेटा ठीक है दिया यस सर सेम साइन से क्यों नहीं कर सकते सेम से बेटा a+b का होल स्क्वायर बनेगा तो नीचे रूट खत्म नहीं होगा अब बताता okay, हूं कैसे yeah. नीचे देखो a+b a-b बनगी ना किसकी इक्वल yes, होती sir. है ए प्लस बी ए टू ए माइनस बी ए स्क्वा उसमें अच्छा ए प्लस बी ए माइनस बी बताया स्क्वायर थ्री टू का स्क्वायर फोर रूट थ्री माइनस टू अपॉन माइनस वन माइनस को ऊपर ले जाओ क्योंकि कभी क्योंकि नीचे कभी भी माइनस में नहीं रखते Yes. तो टू तो प्लस का हो जाएगा रूट थ्री माइनस का हो जाएगा नीचे वन ये हो गया आंसर बेटा इस टाइप से होंगे yes. अब एक चीज और आ, अगर उन्होंने मान लो ये दे दिया हमें सपोज थर्टी टू दे दिया इसका भी नहीं क्या हुआ तो सबसे पहला काम पता है क्या करना है अगर रूट में से कुछ बाहर निकल रहा है तो वो बाहर निकालना है उसके बाद रैशनलाइज करेंगे जैसे इसके 32 के फैक्टर 5 टाइम 2 आ जाएगा इज इट ओके दिया यस सर 2 2 4 इज आउट 4√2 हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे पहले फिर बाद में करेंगे Yes. सर हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ चलो लास्ट में कुछ आइडेंटिटीज आएंगी जब 13th uh, सम से आएंगी वो उससे पहले कोई आइडेंटिटी नहीं है तो 13, 14, 15 तीन सम ही है यहाँ पे। एक्सरसाइज का बेटा फर्स्ट सम। और लिखा है सिंपलीफाई। रूट वन बाय थ्री है। इसको मैं बच्चे वन का स्क्वायर रूट कितना होता है? वन। और नीचे रूट थ्री का रूट थ्री रखेंगे। यस। yes. वही सेम अभी मैंने किया था। इन्टू रूट थ्री बाय रूट। क्या आ जाएगा? र� यस दिस इज आंसर अब जैसे इसका बेटा सेकंड पार्ट है रूट फाइव बाई ट्वेल्व तो रूट फाइव बाई रूट ट्वेल्व ना यस yes. तो रूट फाइव में से तो कुछ बाहर आता नहीं है रूट ट्वेल्व में से कुछ yes. बाहर आ रहा है टू टू रूट फाइव अपॉन टू रूट थ्री बेटा है ना यस अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे अकेला रूट थ्री से बच्चे क्या करते हैं रूट थ्री से कर देंगे तो भी गलत नहीं है पर बाद में कटिंग होगी फिर बट अब कटिंग नहीं होगी रूट फाइव को रूट थ्री से किया तो डर तो, uh, की क्यों बोल रही है मैं फोन से निकल के बाहर नहीं 2 3. हाँ, मैं फोन फोन से से निकल निकल के के बाहर बाहर नहीं नहीं दिस इज़ द आंसर ऐसे पीछे थर्ड पार्ट हो जाएगा थ्री प्लस टू ट्वेंटी फोर अपॉन रूट ट्वेंटी भी बच्चे रूट वन हंड्रेड ट्वेल्व टू फिफ्टी सिक्स तो मैं सीधा लिख दू शूट yes. सेवन लिख दिया पता चल गया बेटा कैसे आया ये yes, sir. Yes, sir. रूट सिक्सटी थ्री नाइन इंटू सेवन थ्री या बाहर आ जाएगा टू ट्वेंटी फोर को ऐसे ही रखो सेवन फोर टू बाहर आ जाएगा ये आ जाएगा अब yes. दो मैथड्स हैं चाहे तो तीनों का एल्शियम लेके कर लो या सिर्फ इसको रैशनलाइज कर दो क्योंकि नीचे नहीं होना चाहिए ना ये टू yes. से ये हो गया और देखो फोर रूट सेवन माइनस थ्री रूट सेवन प्लस वन हंड्रेड ट्वेल्व रूट सेवन अपॉन हो रहा है 7 सेवन वन जो सेवन फोर्टी टू सेवन सिक्स मतलब मेरे देखे पास ये ये बच गया, अब मुझे ये calculation करनी नहीं नहीं आपने हाँ। वो दिया, होगा। अच्छा, बोलिए बेटा, क्या आएगा इन तीनों को कैलकुलेट करना सेवनटीन रूट सेवन आपको कितना टाइम हो गया वहाँ पे कॉलेज में सर so, मैंने लास्ट ईयर किया था ग्रेड में। नेपाली बोर्ड एंड सी बी एस सी अच्छा मतलब हमें ऑप्शन था से कि हमें कौन सा बोर्ड लेना है एस एल सी लेना है या सी बी एस सी उसके पहले एस एल सी थी नहीं आप अपने पीछे अग्रवाल लगवाते हो आप अग्रवाल हो yes, sir. मेरे एंसेस्टर्स राजस्थान के थे ओके okay. यहाँ पे बच्चे फोर रूट एटीन अपॉन रूट ट्वेल्व वही सेम ऊपर से रूट एटीन और रूट ट्वेल्व मैंने पहले ही बोला है ना कि अगर कुछ बाहर निकलता है उसको बाहर निकालना है ठीक है yes, यस ट्राई करोगे यस yes, अब इन चारों पार्ट्स में से मैं तो फोर्थ पार्ट नहीं नहीं अभी नहीं बाद में हाँ, देखो अपने आप करोगे नो जो नहीं आएगा उसको टिक लगाना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरे से वो पूछ लेना ओके सर मॉर्निंग तो में तक तो नहीं हो पाएगा ना आपसे कोई बात नहीं कल इवनिंग इवनिंग में भी लगा लूंगा सर इवनिंग में लाइक अगर आप क्लास लोगे तो ग्रुप में नहीं लेके इंडिविजुअली ले सकते क्या इंडिविजुअली बेटा वन से पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ना अभी तो मैंने Uh, मैं स, uh, सही सही बात बताता हूँ टेंथ का तो बैच मेरा स्टार्टिंग से चल रहा है यस yes, 10th में तो नियर अबाउट सेवेंटी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास yes, नाइन्थ uh, के में क्या दिक्कत आई कि मैंने मतलब मेरा जो सीजनल वर्क होता है जो ऑफिस का वर्क है ना वो सीजनल yes, होता है सीजन Season, दो सीजन होते हैं मार्च अप्रैल एंड अक्टूबर टू दिसंबर दिसंबर नहीं मतलब अक्टूबर टू तो, मिड दिसंबर 15 दिसंबर तक होता है तो इस टाइम में क्लासेस मतलब बहुत कम लगती है मेरी क्योंकि मैं खुद ही इतना टायर्ड हो जाता हूं ऑफिस से आके कि सुबह छह बजे निकलना और शाम को सात बजे आठ बजे आना और सारा दिन मतलब अच्छा इतना नहीं हाँ, अच्छा मुझे लगा था आप स्कूल नहीं मैं मेरी जॉब है बेटा फूड एंड सिविल सप्लाईज में इंस्पेक्टर की जॉब है ओ, ओ, तो उसमें क्या दिक्कत है कि सीजनल जैसे वीट का परचेज करना होता है वो मार्च अप्रैल में होता है गवर्नमेंट के लिए yes. और अक्टूबर में होता है पैडी पैडी मतलब राइस परचेज करना yes. होता है गवर्नमेंट के लिए तो उस सीजन के कारण मतलब बहुत टाइम लग जाता है और फिर मंडियों में मतलब बार बार झुको डेली टू हंड्रेड टू फिफ्टी किलोमीटर कार चलती है मतलब ड्राइविंग करनी सारा बहुत टाइर्ड थे

तो ऑलमोस्ट um, किया हुआ है उन्होंने तो बस अब तो रिवीजन ही फास्ट रिवीजन ही करवानी है उनको भी क्योंकि तो टाइम ही नहीं है हमारे पास इतना नहीं तो अगर आप मेरा को लेते तो उनके साथ ही ना? नहीं, भी ले सकता हाँ तो डिफरेंटली ले, ले लूंगा बच्चे तो पहले ही बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं मेरी, मेरी है तेरे को सिलेबस कैसे करवाना है ठीक है। okay, अभी तो मैंने आज okay, ही sir. मैं आज से ही शुरू कर लो कि कल से क्यों करना पड़ेगा। अब एक चैप्टर हो भी गया हमारा समझ लो। ठीक है। Yes ना? sir। Yes sir। One upon four minus है बेटा। मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे? Um four plus ऊपर क्या आएगा? ऊपर four plus root three आएगा। और नीचे sixteen minus थ्री, दिस इज आंसर, इसका फोर्थ पार्ट बेटा, मैं फोर्थ इसलिए करवा रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तेरे को आता है कि नहीं आता, yes. ठीक है, हाँ जी बेटा, तो इसमें ऊपर और नीचे प्लस से करना होगा, रूट थ्री प्लस रूट टू, ठीक है, ऊपर क्या आ गया बेटा इसमें अब इसमें वो ए प्लस बी होल वाला करना होगा तो नीचे सीधा लिख दो तो आ जाएगा थ्री प्लस टू इंटू रूट थ्री इंटू हाँ कोई बात नहीं, नहीं मैंने पीछे आगे पीछे कर दिया यस सर है? और प्लस टू आएगा आपने ये पता चला ना कैसे आया वेरी गुड नाउ फिफ्थ सम फिफ्थ सम में भी ऐसी है हम दोनों को अलग अलग रैशनाइज भी कर सकते हैं और एल्सियम भी ले सकते हैं ये बताओ कि रैशनाइज करके करना है कि एल्सियम लेके करना है, so, इसको LCM है, है? LCM ले तो इसका एल्सियम कैसे ले सकते हैं बताता हूँ फिर एल्सियम लेके बताता हूँ थोड़े को यहाँ पे क्या है बेटा दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे एलसीएम में आ जाएंगे ऐसे ठीक है यस अब ये टर्म है कौन सी बच गई ये बच गई ना यस yes, इसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी सेम था तो होल स्क्वायर हो जाएगा ये टर्म अब इसके नीचे देखो ये टर्म है अब मैं इसको किससे करूं कि ये आ जाए पूरा ये रह गया yes, पेंडिंग रह गया इसको ऊपर से करेंगे तो

किसके इक्वल? यस yes, सर तो फोर माइंस सॉरी फोर स्क्वायर माइंस फाइव. क्या है? फोर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एट रूट फाइव प्लस सिक्सटीन प्लस फाइव माइंस रूट मी सिक्सटीन माइंस फाइव. हम yes. पे 8 5 से 8 5 कट हो गया 16, 5, 21, 21, 42 yes. 11. Okay? Yes. दूसरा मेथड क्या yes. है इसका yes. इसको भी फोर प्लस रूट फाइव से ऊपर नीचे इसको भी 4 plus, 4 5 हाँ. तो भी यही आंसर आएगा हमारा सेम है बेटा सिक्स सम सिक्स फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा करूं सेकंड करूं यस सर थर्ड तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा सेकंड फर्स्ट और सेकंड में से ओनली यस सर चलो मैं नहीं करवाऊंगा तू करवाएगी ठीक है दिया ओके सर मुझे एक बात और बता तेरे को समझ आ रहा है कि बस ओके ओके कर रही है नहीं सर आ रहा है तो इसमें हमें uh, ऊपर और नीचे दोनों सेवन माइनस फोर रूट थ्री से करना है मल्टीप्लाई हां जी बिल्कुल सही है ए प्लस बी रूट थ्री यहाँ पे यस दिया बोलिए बेटा हेलो हां जी बोलिए यस uh, yes तो अब इसमें क्या um, सेवन इंट फाइव इंटू सेवन ऐसे लिख सकते हैं बच्चे यस सर क्योंकि देखो कोई टर्म सेम नहीं थी वो फॉर फॉर्मूला नहीं बन रहा ऊपर तो फाइव yes. को भी दोनों से चाहे सेवन को दोनों से माइनस फोर रूट वो आप पे डिपेंड है कि आपने कैसे करना है yes नीचे ए स्क्वायर माइनस यस yes. नींद तो नहीं आ रही नहीं सर कहीं तो मेरे चक्कर um, में क्योंकि मेरे को तो नींद कम ही आती है सर <laughs> मुझे भी लाइक मैं रात की यूजुअली लेट ही सोती हूं okay. Four to eight into three twenty four yes. upon me seven minus. सॉरी Khan. Sorry, uh, sorry, 49. 49 माइनस आह द 16 इनटू थ्री 48 आ जाएगा ठीक है yes. यस अब यहाँ पे um, 11, 11. माइनस सिक्स रूट थ्री नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है ए प्लस बी रूट थ्री अब देखो लेफ्ट साइड में भी दो टर्म्स है राइट साइड में भी दो टर्म्स है लेफ्ट में भी एक रूट थ्री वाली टर्म है राइट में भी एक रूट तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो व्हाट इज ए के प्लेस पे क्या पड़ा है इलेवन एंड बी के प्लेस पे माइनस सिक्स वेरी गुड बिल्कुल सही है yes. काफी अच्छा है ठीक है आपका मैथ्स yes, sir. पहले किया हुआ तो अभी आप करा रहे तो थोड़ा रिकॉल होगा ओके कई बार होता है कि बच्चे बिल्कुल ही डल होते हैं ना वो हाल नहीं है मतलब आपको मेन तो प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन का वो हाँ। वो है आपका स्ट्रॉन्ग है वो तो चलो जल्दबाजी में कोई मिस्टेक हो जाती है बट नहीं। वैसे नहीं है माइनस वन ये है बेटा वही सेम जैसे हमने पहले नहीं किया था दो वाल टर्म वाला Yes, उसी टाइप से आ गया ये बीच में माइनस ये समझ आ गया स्क्वायर कैसे आया a माइनस b का होल स्क्वायर मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ बेटा yes, पर इसको ब्रैकेट में ही रखना क्योंकि यहां माइनस है ना बीच में yes, sir. अगर आप इस ब्रैकेट को मतलब ब्रैकेट नहीं डालोगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी

अब मैं इसके आगे जीरो लगा दू। ऐसे लिख यस। कोई yes. तो फर्क नहीं पड़ेगा ना कट हो रही है ना तो काट दो बेटा माइनस टू बाई थ्री आंसर अब जो सेवन सम है उसमें थ्री टर्म्स हैं। नीचे तो कुछ इस... याद आया क्या करेंगे इसमें हाँ, हाँ? ना 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 नहीं? Any two terms को एक ब्रैकेट में करो चाहे इन दोनों को कर लो चाहे इन दोनों को कर लो ज्यादा बेटर है हम छोटी वाली को कर ले तो इसमें हमें दो बार रैशनलाइज करना होगा बाद में हाँ ये बेटा एक टर्म ऐसी रहेगी सेम टू सेम यहाँ साइन है माइनस रूट फाइव सेम नीचे रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव इज इट ओके दिया यस सर ऊपर बेटा वन से करेंगे सेम आ जाएगा नो no चेंज yes, नीचे sir. क्या आएगा नीचे Second. ये टर्म सेम है ना बेटा पूरी ब्रैकेट तो सेम है ना ए, हाँ तो ए, इसमें a b होल स्क्वायर वाला नहीं ये a plus b a minus b तो एक बार a स्क्वायर पहले ये लगाएंगे बेटा ठीक है दिया ओके रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन में ab yes ये समझ सरे. आया बच्चे यस यस बस वो A plus b whole square वाला थोड़ा कंफ्यूजन लग जाता है का तो बच्चे हम करेंगे ना देखो जब करोगे तो अपने आप कोई भी चीज ऐसे नहीं है क्या आ, आ जाती है प्रैक्टिस मेक्स अफेक्ट ठीक है अब ट्वेंटी टू ईयर और टू थाउजेंड वन में मैं प्लस टू में था oh. समझे Yes. तो ट्वेल्व के बाद मैं एम तो मैंने बीएससी किया, किया तो 2007 में मैंने स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया प्राइवेट स्कूल में ठीक है 2012 2012 तक किया 2012 में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई मुझे दो जॉब्स मिली थी इकट्ठी एक कॉपरेटिव बैंक में एक फिर फूड सप्लाई में पहले मैंने वन वीक ज्वाइन किया उसके बाद मैंने फूड सप्लाई में ज्वाइन किया तो ये जॉब जो मिली थी वो सिर्फ किसके कारण मिली थी मैथ्स के कारण कि वहां पे जो आ, पेपर आया था उसमें मैथ्स ज़्यादा था और आधे सम तो ऐसे थे जो मुझे आंसर ही याद थे कि इसका आंसर ये है सिर्फ प्रैक्टिस के कारण था ओके चल मतलब आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे कि आपको याद ही हो हाँ मतलब व... बार 12 ईयर तक हम सेम चीज करते रहे बार बार तो क्या होगा खुद बताओ मैं है मैं जीरो प्लस टू टू हाँ तो ऊपर वही सेम टू सेम रहने दो ठीक है दिया यस और नीचे टू रूट सिक्स अब इसको किससे करें बेटा वोट हम... सिक्स से क्योंकि तो सिक्स से six. कुछ बाहर तो आई यस रूट सिक्स इंटू रूट टू रूट ट्वेल्व वेरी गुड प्लस रूट सिक्स इंटू रूट एटीन रूट एटी एटीन माइनस माइनस रूट थर्टीन Yes. Upon... Um, इनमें से कुछ बाहर निकल रहा है इसमें से नहीं निकलेगा यहाँ से टू बाहर आ रहा है यहाँ से थ्री बाहर आ रहा है बेटा यहाँ से कुछ नहीं आएगा हेलो हाँ जी बेटा दिया हाँ जी बोलिए बेटा yes, दिया sir. ये समझ आ गया बेटा सब बाहर निकालना जरूरी है क्या लाइक हमें डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं इसमें नहीं बच्चे बाहर क्यों? निकालना ही पड़ेगा नहीं क्योंकि बाहर वन है ना तो शायद कहाँ पे वन है बेटा नहीं नहीं मतलब जैसे अगर हम ये बाहर ना निकाले तो वैसे तो पहले से ही वन है वन तो है आ, मुझे एक बात बताओ आपका आंसर ऐसा आ गया मान लो तो आप इसको ऐसे छोड़ के आओगे कि सेवनटीन लिखोगे लिखो। वैसे बच्चे जब भी अगर रूट में से कुछ बाहर निकलता है ना तो उसको yes, बाहर sir. निकालना है पता है 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 कि कई बार क्या होता तीनों में से बाहर है कि कट हो जाता है। समझे यहाँ नहीं हो yes, रहा वो अलग बात है बट जब भी रूट में मैंने स्टार्टिंग में यही चीज बताई थी इस एक्सरसाइज के अगर रूट में से कुछ बाहर निकलता है तो निकालना है ठीक है नहीं तो हाफ या वन मार्क कट जाएगा फिर आप कहोगे कि जिंदल सर ने गलत करवा दिया √2 मैं पंजाब से हूं बच्चे ओह पंजाब में कहां पे बठिंडा डिस्ट्रिक्ट ओह नाइस पता है सुने नहीं मैं अच्छी जगह लग रही है सुनने में <laughs> अच्छी जगह लगो तो क्या कभी आए काठमांडू नहीं बेटा अब जरूर आऊंगा तेरे पास ओके सर टाइम नहीं मिला बच्चे क्योंकि तो लाइफ में बस क्या बताओ? बस बाद में बात ही करेंगे पहले यहाँ पे आ जाओ yeah. रूट टू की वैल्यू गिवन है बेटा रूट थ्री की वैल्यू गिवन है मतलब yes. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फाइंड विदाउट यूजिंग टेबल मतलब जो पीछे टेबल है उनका यूज नहीं करना थ्री प्लस रूट टू पहले मतलब रैशनाइज करेंगे कभी भी नीचे वैल्यू फिल नहीं करनी रूट की ठीक है ओके सर नीचे से रूट खत्म करके sir, उसके टेबल टेबल यूज नहीं करेंगे का क्या मतलब हुआ इसके अंदर तो चलो टेबल नहीं दिया टेंथ की बुक में ना एक लॉगरिदम टेबल होता है उसमें सारी रूट की हंड्रेड तक वैल्यूज दी होती हैं रूट थ्री रूट फोर रूट फाइव रूट, 6, रूट, 7, रूट वो बोला है वो नहीं यूज करना मतलब

यही सेम ये नहीं किया था yes, sir. उस टाइप के साम आ गया इसको इसके इक्वल रख देंगे और ए और बी वही सेम yes, करने sir. के बाद कर देंगे प्रूफ दिस दिस। अब यहाँ पे भी ले सकते हैं बट ज्यादा बेटर है क्योंकि सेम नहीं है नीचे yes, sir. Ten sum. कोई बात नहीं फोर फाइव तो हो गए निकल गया चैप्टर ये तो वन अपॉन रूट टू माइनस वन प्लस टू अपॉन रूट थ्री प्लस वन इक्वल रूट टू प्लस रूट थ्री के इक्वल प्रूव करना है yes. जब भी बच्चे ऐसे प्रूव करने वाले समा आएंगे तो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे क्योंकि अकेला इससे कुछ नहीं होगा हाँ इससे कुछ हो सकता है वही सेम चीज जो हमने पहले की है इसको रैशनलाइज ठीक है बेटा यस बीच में प्लस साइन रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री माइनस वन अब वन से मल्टीप्लाई किया तो रूट टू प्लस वन नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी रूट टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर स्क्वा टू से करेंगे तो बेटा एक बार ऐसे तो ऐसे रख लो ऐसे रख ऐसे रख, रख लो पता है क्यों रखूंगी तो क्योंकि नीचे रूट का थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन तो वो टू आएगा टू से टू कट जाएगा नहीं तो बाद में फिर से कॉमन लेना पड़ेगा ओके सर टू माइनस वन यहाँ पे टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू ये कट गया बेटा यस यहाँ पे रूट टू बच गया नीचे वन आएगा वो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ से रूट माइनस वन एंड प्लस वन Yes. कैंसल Is equal टू RHS. Hence proved. ऐसे लास्ट में लिख देना है अब जो ये वाला सम है इसमें थ्री टर्म्स हैं। इसको अलग से रैशनल इसको अलग से इसको अलग से जैसे ये किया है ऐसी पैरल यस yes, सर इसी टाइम यार वो सबको सॉल्व करना है बेटा यस सर जो नेक्स्ट टाइम है वो भी ऐसे ही है यस yes. कोई करवाऊं पाठ के हो जाएंगे बेटा सर ख्याल से हो जाना चाहिए कोई बात नहीं अगर नहीं भी निकलेंगे ना बेटा यस सर ठीक है तो कल कल इवनिंग में ही मुझसे पूछ लेना ओके सर नाउ थर्टीन फोर्टीन 15 ये समझ करवाने से पहले बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल A plus B, A plus B. नहीं A या फिर A square, whole... plus B square plus B square plus two AB. जब भी कोई तरह से ये पूछे ना कि A plus B का होल स्क्वायर तो A plus B, A plus B नहीं बोला ये <laughs> बोलना है नहीं क्योंकि उस वक्त A plus B A minus B का आपने A square minus B square बोला तो मुझे लगा इसमें भी ऐसे ही कुछ नहीं वो वो तो अलग वो तो फॉर्मूला ही अलग है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यस ये है ना बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी इस फॉर्मूला से ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ये आएगी ना यस सिंह यहां से बच्चे ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू एवी

x की वैल्यू टू प्लस रूट थ्री अब हमें तो पहले वन बाई एक्स फाइंड कर लो वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री ना टू माइनस रूट थ्री से ऊपर टू माइनस रूट थ्री से नीचे वन बाय की वैल्यू टू माइनस रूट थ्री ए प्लस बी ए माइनस बी फोर माइनस थ्री आ जाएगा टू माइनस रूट थ्री अपॉन वन Yes. अपॉन वन लिखो चाहे ना लिखो रहने देते हैं ये वन बाय एक्स स्क्वायर नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू ए माइन ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी मेरा अच्छा बच्चा है तुमको सर so, बट इसमें हमें ये कैसे पता चला कि ए प्लस बी करना है माइनस कर ले चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा ओके okay, सर क्योंकि आंसर सेम आएगा दोनों मेथड से क्योंकि दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज हैं ठीक है ओके सर एक्स की वैल्यू ये रही ये वाले यूज करेंगे टू प्लस रूट थ्री और वन बाई एक्स की प्लेस पे बेटा टू माइनस और एक्स से एक्स कट गया minus two. Minus yes. Minus root three and plus root three is cancel. Two plus two four. Four square minus two. Sixteen minus two. What we get? Fourteen. Fourteen is the answer. ठीक है ओके सर अब जो नेक्स्ट सम है आई थिंक सो यू कैन डू इट यूर सेम क्वेश्चन वन अपॉन एक्स की वैल्यू है वन अपॉन एक्स की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा फिर वही रैशनाइज करके वन बाय एक्स की वैल्यू फिर वही फॉर्मूला यहाँ पे फिफ्टीन सम लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर बस इस बुक का थोड़ा सा ये है कि इसमें शॉर्ट है चैप्टर बड़े नहीं दिए हुए सरीना कंसाइज में चैप्टर्स बहुत बड़े हैं सर जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है उसमें तो आठ एक्सरसाइजेस है फिर क्या हो गया टेंशन की चीज की है मैं हूं ना यस सर सर और पता है वो मैंने कितने बार सॉल्व किया हुआ तो है लाइक मतलब जब मैं प्रिपेयर कर रही थी हां जी तो मतलब मतलब जब मैं करने लगी तो मुझे आ रहे थे लेकिन फिर अब मैं वापस भूल गई मैं एग्जाम के दिन ही भूल गई कि फैक्टराइजेशन में क्या था <laughs> कोई बात नहीं वो ना डर होता है डर के कारण भूलते हैं तो थीके? क्या वो जो इतना मैंने मैंने दो दिन का टाइम लगा कर वो फैक्टराइजेशन चैप्टर किया था जब हम एग्जाम के बिल्कुल नियर आके करते हैं ना तब बोलते हैं समझे yes, अगर हमने पहले कर लिया फिर नहीं भूलेंगे नहीं गलत है बट मैं सारा प्रिपरेशन तो एग्जाम के पहले एग्जाम के जस्ट पहले करती हूँ पहले क्या करती रहती है <laughs> क्या बताऊ <laughs> कोई बात नहीं अभी आप नाइन्थ भी हो जाएगी उसके बाद कोई बात नहीं आपका नेक्स्ट ईयर भी मैं सिलेबस जब भी छुट्टियां होंगी उस टाइम करवा दिया करूंगा ठीक है yes, यस सर नाइन्थ के बाद भी कुछ टाइम ऑफ होगा तो पहले हम प्रिपेयर कर लेंगे देंगे के लिए हाँ yeah. क्योंकि अब हमारा तो जो एग्जाम होगा वो हो तो सीधा फाइनली होगा मेरी बात नहीं समझी मैं क्या बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब आप टेंथ में हो जाओगे yes, जैसे आपका नाइन्थ का एग्जाम्स खत्म हुए उसके बाद आपको फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज मिलेंगे ना हॉलीडेज के ज्यादा चाहे मिल जाए क्योंकि जब तक रिजल्ट आएगा नहीं हमारा नहीं हमारा जो सेशन खत्म होता है ना उसके बाद हमें छुट्टी नहीं मिलती है उसके दो तीन दिन बाद ही हमारा नया सेशन शुरू हो जाता है उसके हमें में में दो की मिलती है, दो तो बहुत है। दो, हाँ दो महीने में, में, तो में।, में भली कर सकते हाँ, जितना मर्जी करते रहो वो तो सॉल्व कर दिया एक्स awesome. <laughs> की वैल्यू ये बेटा 1 बाई एक्स इसका रेसिप्रोकल किया रेशनाइज किया ये तो तेरे को आता ही है ये आगे वैल्यू बेटा yes, अब yes, पहला पार्ट x इसको और इन इस दोनों को ऐड करना है कर लोगे यस yes, फिर उसका स्क्वायर करना अलग अलग स्क्वायर वही फॉर्मूला पहले वाला यही सर एक इन दोनों, दोनों को ऐड करने से ये फर्स्ट क्वेश्चन का कैसे हो जाएगा करवा दे उन्होंने एक्स प्लस वन बाई एक्स बोला है ना yes, X की वैल्यू फाइव माइनस रूट ट्वेंटी क्या आई है बेटा फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन आई है ना बाई फाइव माइनस तो यहाँ पे फाइव माइनस रूट ट्वेंटी वन प्लस फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन आ जाएगा ना ये कैंसिल हो गया टेन अपॉन yes, 2. कितनी वैल्यू आ गई बेटा पहला आंसर आ गया नाउ सेकंड पार्ट के लिए वही सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू वन अपॉन एक्स इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं अब हमें अलग अलग वैल्यू फिल करने की जरूरत नहीं है हम ये सीधी वैल्यू फिल करेंगे बेटा ठीक है दिया यस ट्वेंटी थ्री इज द आंसर ट्वेंटी फाइव माइनस यस तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट ओके यस अब ये करके रखना और मॉर्निंग सेवन ओ क्लॉक से पहले उठ जाना ठीक है यस सर ट्राई करूंगी ट्राई नहीं करना मैं देख ले तेरी क्लास लगानी बंद कर दूंगा दिया नहीं 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 उठ जाऊंगी उठ जाऊंगी पक्का उठ जाऊंगी <laughs> <पत्का laughs> नहीं तो मुझे फिर मैं अलार्म बन के बेल मार के उठा दूंगा तेरे को ओके okay. ठीक है तो okay. मम्मा के पास होता है फोन सर मैं आपको अपना नंबर दे दूं हां बच्चे अपना एक में व्हाट्सएप में दे दूंगी आपको हां व्हाट्सएप हां कोई बात नहीं मुझे मैसेज कर दो ठीक है yes. तो मैं उसमें मतलब रिंग भी कर दिया करूंगा अगर नहीं भी उठा जाएगा आपसे उठा okay. दूंगा मैं ओके ओके बाय गुड नाइट यू